दोस्तों, आज की कहानी है उस ज़बरदस्त अभिनेता की जिन्होंने अलग अलग फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय कर कलकत्ता से बम्बई तक का सफ़र तय किया। उनका नाम अनवर हुसैन है। इनका जन्म 11 नवंबर 1925 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी माँ का नाम जद्दन बाई था और पिता उस्ताद रिशाद मीर खान थे। इनकी पढ़ाई लिखाई भी कलकत्ता में ही हुई। यहाँ से इन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इस वजह से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी ना कर पाए। अपने फिल्मी सफ़र में अनवर हुसैन ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था। ये फिल्मों में जितने अच्छे से सकारात्मक भूमिका निभाते थे, उतनी ही बारीकी से नकारात्मक भूमिका भी निभाते थे। ब्लैक एंड वाइट और रंगीन सिनेमा दोनों में इन्होंने अपनी कला का जलवा बिखेरा। अनवर हुसैन फिल्म अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता भी थे। 1940 से लेकर 1982 तक वो लोकप्रिय कैरेक्टर एक्टर रहे। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अनवर हुसैन की मां की तीसरी शादी से जो लड़की हुई उसका नाम था नरगिस। जी हाँ दोस्तों, वही नरगिस जिन्होंने बड़े होकर एक समय में बॉलीवुड पर राज किया। ये अनवर हुसैन की बहन थी। कहते हैं कि चंदन बाई के गाने सुनकर मोहन बाबू उन पर मोहित हो गए थे। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर चंदन बाई से शादी की। इसके लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम अब्दुल रशीद रखा। इन्हीं की बेटी थी नरगिस। नरगिस और सुनील दत्त से अनवर हुसैन के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। ये संजय दत्त के मामा और सुनील दत्त के साले थे। अनवर हुसैन के एक और भाई थे जिनका नाम अख्तर हुसैन था। अख्तर हुसैन की बेटी और अख्तर हुसैन की भतीजी साहिना हुसैन भी फिल्मों में काम करती थी। 1939 में अनवर हुसैन भोपाल रियासत में कमीशन एजेंट और जर्नल सप्लायर का काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लिया। मौका मिलने पर ये ऑल इंडिया रेडियो में बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम करने लगे। वहाँ पर इन्होंने लगभग 3 साल तक काम किया। अनवर हुसैन पहले तो अपने माता पिता की फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाया करते थे। इनकी ज़िंदगी ने एक बार फिर पलटी मारी और उस समय के मशहूर निर्देशक A.R. कारदार ने अनवर हुसैन के हुनर को पहचाना। उन्होंने फिल्म संजोग में अनवर हुसैन को खुद को साबित करने का मौका दिया। इस फिल्म में अनवर हुसैन ने अपने अभिनय से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। फिर पहले आप, हम लोग, आवाज़, बारिश और फुटपाथ जैसी फिल्मों में बतौर नायक नजर आए। हालांकि ये फिल्में कुछ कमाल नहीं कर पाईं। रंग महल फिल्म में अनवर हुसैन पहली बार खलनायक बने थे, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ धोखा दे गई। रंग महल के लेबोरेटरी में आग लग गई, जिस कारण से ये फिल्म आ ही नहीं पाई। इनके भाई फिल्म रोमियो एंड जूलियट बना रहे थे, इसमें अनवर हुसैन को लिया गया। कहा जाता था कि इस पिक्चर के लिए पहले याकूब को लिया गया था, लेकिन वो बीमार थे। इसके बाद मजहर को चुना गया, लेकिन शूटिंग के दिन वो भी नहीं आ पाए। इसके बाद अनवर हुसैन को ये रोल दे दिया गया। ये फिल्म लोगों को भा गई। पत्रकारों की टीम ने अनवर हुसैन को इस फिल्म के लिए सम्मानित भी किया था। दिलीप कुमार की मशहूर फिल्म गंगा जमुना में इन्होंने अय्याश साले का किरदार निभाया था। इनके अभिनय का ही कमाल था कि दिलीप कुमार का गुंडा बनना लोगों को पसंद आ गया। वही फिल्म गाइड में इन्होंने देवानंद के ड्राइवर के दोस्त गफूर का सकारात्मक रोल निभाया था। बताया जाता था कि अनवर हुसैन मिजाज के भी काफ़ी ईमान वाले थे। वो दूसरों से प्यार करते थे। वो अपने दोस्त के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ते थे और दुआ मांगते थे। अनवर हुसैन एक ऐसे अदाकार थे जिन्हें लोग आज भी नहीं भुला पाते हैं। इनकी 5 औलादें थीं, जिनमें से 4 बेटे और 1 बेटी। 1 जनवरी 1988 को अनवर हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।